आखिर कौन सा पति करेगा विश्वास अगर उन्हें कहा जाए कि उनकी पत्नी नागिन है? कोई नहीं ना। ऐसा ही कुछ देखने को मिला हमें सीरियल नागिन में, जहां ऋतिक के परिवार वालों ने ऋतिक की पत्नी शिवन्या पर डाला नागिन होने का इल्जाम। देखिए कैसे डिफेंड करने लगे ऋतिक शिवन्या को ये बात सुनकर। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? शिवन्या मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी पे इतना बड़ा इल्जाम? शिवन्या तो सहमी सी खड़ी रही, लेकिन ऋतिक जुट गए अपनी पत्नी को बचाने के लिए। जनाब का चेहरा तो देखिए, उनके दिल में शिवन्या के लिए कितना प्यार है वो साफ नजर आ रहा है। तभी तो गुस्से में झुंझलाते हुए वो सबकी बोलती बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिर ऋतिक ये बताइए कि क्या होगा जब आपको पता चलेगा कि जिसका आप शय ले रहे हैं, जिसकी मासूमियत के लिए आप अपनों से ही लड़ रहे हैं, उसकी सच्चाई आएगी आपके सामने? जब आपको पता चलेगा कि शिवन्या एक नागिन है। एक्चुअली ना, मैं सीन के बारे में हर रोज सोचता हूँ, जब से ये शो स्टार्ट हुआ है, कि जब मुझे पता चलेगा कि शिवन्या नागिन है तो मेरा रिएक्शन क्या होगा। काफी शॉकिंग ट्विस्ट होगा वो। वी आर रियली एक्साइटेड टू सी कि क्या होगा ऋतिक शिवन्या की लव स्टोरी का। क्या शिवन्या एक इंसान के रूप में हमेशा के लिए रहकर अपने प्यार ऋतिक के साथ रहेंगी, या कुछ ऐसा होगा जिससे ऋतिक नाग बन जाएंगे?